मात्र 50 एचपी में भारत का सबसे ज़्यादा टॉर्क देने वाला ट्रैक्टर है। 275 एनएम का टॉर्क जो ट्रैक्टर जनरेट करता है, और जो ना इसमें मिलता है आपको सबसे हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल बैकहो लोडर के लिए स्पेशली ट्रैक्टर जो है ये कंपनी ने लॉन्च करा है। और जो डुअल इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है वो भी काफ़ी जो ना हैवी ड्यूटी इसमें आपको मिलता है। और वहीं अगर पिछले हिस्से की बात करते तो ये जो ना आपको पीटीओ पंप लगाने के लिए जो ना इसमें अलग से ये सिस्टम दिया गया है। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों अगर जो ना आप जैसे ट्रैक्टर लेते हो, ट्रैक्टर जो ना लोडर वगैरह कुछ लगवाना हो या फिर पूरा बैकहो लोडर लगवाना हो, तो उसके लिए जो है ना सोनालिका कंपनी ने जो है ना अपने एक स्पेशल ट्रैक्टर लॉन्च करा है, तो इसका जो है ना हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। आप देख रहे हैं सोनालिका का TI-60RX है ये। और भाई सबसे कमाल की चीज़ क्या है इस ट्रैक्टर में, देखो 275 NM का हाई टॉर्क है। तो इसका जो है ना मैं आपको प्राइस बताऊँगा किस प्राइस में मिल जाएगा। और लगभग जो है ना ट्रैक्टर जो है ना जो कंपनी ने बनाया है वो बनाया है, जैसे कि होता क्या है हमारे कुछ किसान भाई या मतलब कोई कमर्शियल यूजर जो ना ट्रैक्टर पर लोडर वगैरह डोजर या कुछ भी जो ना लगवाना चाहता है ग्रेडर वगैरह, तो उसके लिए जो ना हमें करना क्या पड़ता है, हमें जो ना जो अपना फ्रंट एक्सल है वो ज़्यादातर चेंज कराना पड़ता है, फ्रंट टायर चेंज कराने पड़ते हैं। तो इसमें जो ना कंपनी ने जो ना अपना मतलब कंपनी फिटेड ये जो ना सारे बदलाव कर दिए हैं। तो अगर जो ना फ्रंट टायर की बात करूँ तो जो ना आपको मिलता है हैवी ड्यूटी वाला जो ना 750/16 का है, ट्रैक्टर में भी 750/16 आता है लेकिन ये आता है हैवी ड्यूटी वाला जो लोड के लिए आता है। और जो पिछला टायर है पिछला आता है इसमें आपको 16/28 का C8 कंपनी का जो टायर मिलता है। तो अब जो ना फ्रंट एक्सल देखना, जो ना फ्रंट एक्सल देख लो, और जो मतलब इसका स्पैंडल वगैरह है ना इस तरह से डिज़ाइन किया गया, जैसे कि JCB में आता है ना स्पैंडल जो इसका आता है वो डिज़ाइन वो दिया गया है। ये ट्रैक्टर जो है ना पूरी ज़िंदगी में आप जब तक भी चलाओगे ना ये जो ना एक बार भी स्पैंडल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जो सारा लोड रहता है वो रहता है इन पर, इस पर लोड रहेगा। और फ्रंट एक्सल देख लो जी, लगभग 8-9 इंच की जो लंबाई के साथ में है। और जो इसका पावर स्टीयरिंग है जो नॉर्मल पावर स्टीयरिंग आता है ना उससे भी जो है ना इसका जो ये जैक है ये काफ़ी हैवी ड्यूटी में लगाया गया, डुअल इलेक्ट्रिक जो इसका पावर स्टीयरिंग मिलता है। और भाई देखो जो मतलब कंपनी फिटेड जो इसमें ये मिलता है फ्रंट एक्सल काफ़ी बहुत ही हैवी ड्यूटी है। अब जो ना आप इस ट्रैक्टर पर मतलब लोडर लगा लो, डोजर लगा लो, पूरा बैकहो लोडर लगा लो, मतलब कुछ भी बाहर से अलग से इंप्लीमेंट लगा लो, तो आपको फ्रंट एक्सल और टायर चेंज करने की नहीं पड़ेगी। तो फ्रंट जो ना कंपनी फिटेड ही वेट मिलता है। और ये जो ना RX मॉडल है, जो RX मॉडल होते हैं ना इनमें जो है ना मतलब जो शेप है वो ऐसे आती है एरोडाइनमिक, बल्कि जो सिंपल वाले आते हैं वो आते हैं उस तरह के। तो सोनालिका TI-60 है, RX CM सीरीज़ है और DLX मॉडल है ये। और देखो यहाँ पे कंपनी लिख के दे दिया टॉर्क प्लस सिकंदर हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस, और सबसे अच्छी बात है 275 का ट्रैक्टर टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर मैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन बताऊँ, ये जो ना आपको 4 सिलेंडर और नेचुरली एस्पिरेटेड जो इसमें आपको इंजन मिलता है, और एक वाटर सेपरेटर मिलता है, और एक मिलता है डीजल फिल्टर। और इसमें जो है ना यहाँ पे जो ना आपको LED की लाइट मिलती है, और इसमें जो है ना आपको जो एयर क्लीनर है वो मिलता है ड्राई टाइप का ड्यूअल एलिमेंट का एयर क्लीनर मिलता है। और जिसका डीजल टैंक है, डीजल टैंक मिलता है इसमें आपको लगभग 65 से 70 लीटर के आसपास का इसमें डीजल टैंक मिलता है। अगर हम इंजन की बात करते हैं तो लगभग 4709 cc का इंजन है। पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो ना इतनी बड़ी क्यूबिक कैपेसिटी वाला इंजन जो ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, और 4709 cc का इंजन है 4 सिलेंडर, और जो टॉर्क है टॉर्क भी जो ना सबसे ज़्यादा है 275 NM का। तो ये ट्रैक्टर जो है ना इसकी मैं अगर HL HP की बात करूँ तो देखो वैसे तो आता है 60 HP कैटेगरी में, पहले आता था ये 60 में, लेकिन अगर इस ट्रैक्टर को आप अब खरीदोगे ना 2024 में तो ये जो है ना सिर्फ आपको मिलेगा 49.9 HP का, क्योंकि नॉर्म्स की वजह से। और ये ट्रैक्टर जो ना आपको डुअल क्लिच में अवेलेबल रहेगा, प्लेटफॉर्म वगैरह जो है जो काफ़ी जो ना खुला प्लेटफॉर्म और साइड शिफ्ट के साथ में ट्रैक्टर मिलता है आपको। और जैसे कि जो है ना इसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ज़्यादा है प्लेटफॉर्म ऊँचे, तो कंपनी जो ना यहाँ पे हैंडल भी देती है, और LED वाले जो इंडिकेटर लाइट मिलते हैं। अब जो ना मैं इंजन आपको साइड से दिखाता हूँ इसका किस तरह का इंजन जो इसमें मिलता है। और दोस्तों एक्सल जो ना देखो आप इस साइड से भी देख लो, एक्सल जो फ्रंट एक्सल है बहुत ही हैवी ड्यूटी है भैया, बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है। और देखो पूरी ज़िंदगी में जो ना जब तक ट्रैक्टर रहेगा जो ना तो ये बैरिंग तोड़ेगा और ना ही जो ना स्पैंडल तोड़ेगा एक बार भी ये। और इस साइड में जो ना यहाँ पे लगभग जो इसके पंप है वो मिलते हैं, एक हाइड्रोलिक पंप मिलता है और एक मिलता है पावर स्टीयरिंग पंप। और ये जो ना कंपनी इसमें जो ना दोनों अलग अलग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो साइलेंसर है ना, साइलेंसर ना सिलिन साइलेंसर कर दिया है, सिंपल पाइप नहीं है, अंदर जो ना जाली आती है इसमें। तो इसमें जो ना अगर मेरे हिसाब से अगर जो ऊपर जाली होती है ना, कवर जाली जो बोलते हैं, अगर वो होती ना तो भैया मज़े ही खड़ा हो जाता बिल्कुल, क्योंकि उससे जो फिर ट्रैक्टर लुक है ना वो और शानदार हो जाती। और इधर भी जो है ना कुछ वही बैचिंग वगैरह मिलते हैं सिकंदर की, और 275 NM टॉर्क मिलता है। और यहाँ लगभग 90 एम्पीयर की जो आपको बैटरी मिलती है, 88 एम्पीयर की, और ऑयल इमर्स ब्रेक मिलता है, और LED की जो इंडिकेटर मिलते हैं। अब जो ना मैं ट्रैक्टर को आपको ऊपर से दिखाता हूँ, और भाई जो ऊपर से लुक है ना कुछ देखो इस तरह की आ रही है ट्रैक्टर की। और ये जो ना आपको शटल शिफ्ट के साथ में मिलता है,
देखो एरोडायनामिक डिज़ाइन है और ड्राई एयर क्लीनर है, तो बिल्कुल जो है ना बोनेट है बिल्कुल खुला मिलता है और साइड में साइलेंसर मिलता है। और बाकी जो ना गियर की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 इस साइड मिलते हैं और लो हाई मीडियम मतलब 12 गियर हो गए, 12 फॉरवर्ड हैं और 12 ही रिवर्स हैं। अब जो है ना 12 आगे की तरफ दिए गए हैं, बैक का ऑप्शन नहीं है, बैक का ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये शटल शिफ्ट, आप जो ना जोन से गियर में आगे जा रहे हो उसी गियर में पीछे आओगे, तो 12 फॉरवर्ड है और 12 रिवर्स है। 24 स्पीड वाला ट्रैक्टर जो मिलता है आपको और काफ़ी स्टाइलिश इसमें आपको जो स्टेयरिंग मिलता है और इंडिपेंडेंट P2 लीवर मिलता है इसमें आपको, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ना साइड में हैंड ब्रेक मिलते हैं और अगर P2 की बात करते हैं तो लगभग जैसे 540 भी जो स्टैंडर्ड P2 चक्कर होते हैं वो भी, और रिवर्स P2 भी इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है। और बाकी क्लिच जो ना काफ़ी सॉफ्ट वगैरह, इसके जो क्लिच वगैरह हैं वो सब इसमें आपको मिलते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ट्रैक्टर जो है ना मतलब लोडर डोजर वगैरह के स्पेशलिस्ट है, तो इसमें जो ना कंपनी फिटेड जो ना अगर आपको पंप लगाना है तो जो पंप मिलेगा वो P2 से इस जो ना यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे मिलते हैं। बाकी जो इसकी लिफ्ट क्षमता की बात करूँ तो लगभग 2200 kg की जो इसमें आपको लिफ्ट क्षमता मिलेगी। और देखो जो पूरा ट्रैक्टर है ना मतलब देखो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया, देखो जो ये चीज़ है लिफ्ट की, लिफ्ट आर्म जहाँ से आते हैं वो चीज़ जो ना बिल्कुल बंद करी गई है और फुल फीलिंग जो इसमें आपको फाइनल ड्राइव मिलती है। तो ट्रैक्टर जो ना इस पर आप मतलब खेती के लिए नहीं चला सकते इसको, आप इसको सिर्फ आप जो ना मतलब कमर्शियल रूट में चलाना पड़ेगा क्योंकि देखो ये चीज़ जो ना बंद कर रखी है इसमें, और यहाँ भी जो ना कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें लिफ्ट वगैरह लगाने का। तो और रिवर्स P2 भी मिलती है इसमें, ये मिलता है पंप लगाने के लिए, जो हाइड्रोलिक पंप हम लगाएंगे ना बैक लोडर वगैरह के लिए तो वो पंप जो ना हमारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। और यहाँ जो ना P2 द्वारा इसमें मतलब गियर मिलता है, गरारी मिलती है, तो उससे चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर ट्रैक्टर जो है ना इसकी कीमत की बात करें तो देखो जैसे जो है ना मतलब जो नॉर्मल DI-60 RX आएगा उससे ये महंगा है, क्योंकि देखो इसमें जो ना फ्रंट एक्सल जो काफ़ी हैवी कर रखा है, टायर हैवी है, कीमत भी ज़्यादा आती है, पावर स्टीयरिंग मतलब वो अच्छा कर रखा है, तो इसकी जो ना कीमत जो है वो नॉर्मल वाले 60 RX से महंगी ज़्यादा रहेगी। तो इसकी जो कीमत है वो लगभग 9.5 लाख रुपये गाज़ियाबाद एजेंसी पर है UP में। और बाकी दोस्तों आप जो ना कमेंट करके बताना ट्रैक्टर आपको कैसा लगा। और देखो इसमें जो ना डिफरेंशियल लोग भी मिलता है, ये मैं बताना भूल गया था, ये देखो जो ना डिफरेंशियल लोग भी मिलता है इस ट्रैक्टर में आपको, देखो जरा है ना इसमें आपको डिफरेंशियल लोग कंपनी फिटेड ही मिलता है। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।